मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर उस वक्त की है जब कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में मौजूद थे। इस बैठक के दौरान कैलाश विजयवर्गीय अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं। मोबाइल पर एक युवती की तस्वीर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस इस तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाती हुई भी दिखाई दे रही है। आखिर क्या देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय अपने फोन में, कब की है ये तस्वीर, आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी की एक बैठक हुई थी, बता दें कि चुनाव समिति की बैठक थी, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कई और नेता भी मध्य प्रदेश सरकार के मौजूद थे, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक हो रही थी। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। एमपी तक ने इस तस्वीर की पड़ताल की, फैक्ट चेक किया और पाया कि इस मीटिंग के दौरान कैलाश विजयवर्गीय अपने फ़ोन में खबर देख रहे थे। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में फ़ोन है। फ़ोन में आज तक की एक खबर चल रही है और ये खबर सेहत से जुड़ी हुई खबर है। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है और कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल एमपी तक ने अपने फैक्ट चेक में पाया कि कैलाश विजयवर्गीय जिस वक्त मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी, उस वक्त अपने फ़ोन में खबर देख रहे थे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर और इस तस्वीर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।